नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार में। आज का आज जैसा कि आप लोग टॉपिक देख रहे हैं, गाभिन गायों की देखभाल कैसे करें। मेरे बहुत सारे मित्र, बहुत सारे डेयरी फार्मर दोस्त लोग, इनके मन में ये दुविधा रहती है कि गाभिन गायों को कैसे देखा जाए, कैसे उनका देखभाल किया जाए, और अगर देखभाल करने में गलती हो तो गलती होने के बाद में उसको कीटोसिस, थनेला, लेमनेस ऐसी बहुत सारी बीमारी हो जाती है। और ऊपर से जो काफ मिलने वाला है होता है हमको, वो काफ भी जो होता है वो भी तंदुरुस्त नहीं होता है, जिसकी आगे जाके शायद मृत्यु भी हो जाती है। अब इन सारी चीज़ों से कैसे बचे और कैसे प्रिपरेशन करें एक गाय की, कैसे एक गाय की ऐसी देखभाल करें कि वो अच्छे दूध पे भी आए और उससे जो निकलने वाला बच्चा वो भी तंदुरुस्त हो, यही सारी जानकारी लेके मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो और चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि गायों की गर्भावस्था क्या है। गायों की गर्भावस्था को हम लोग वैज्ञानिक आधार पर चार भागों में डिवाइड करते हैं, और इसको इंग्लिश में ट्राइमेस्टर्स बोलते हैं, फोर डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स। और अगर हिंदी में बात करें तो, अगर हम समझे तो वो होता है सबसे पहले गर्भधारण से लेके 3 माह तक के, मतलब जिस दिन AI की है वहाँ से लेके अगले 3 माह तक के। दूसरा, 3 माह कंप्लीट होने के बाद 4 माह से लेके 7 माह तक के। फिर 8 माह की गाभिन गाय से लेके लास्ट के 14 दिन, 14 दिन बचे हैं गाय को गाभिन होके जनने के लिए, जनने के 14 दिन पहले की बात, और लास्ट के 14 दिन। हम लोग ये मोटे मोटे तौर पर ये 4 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। आइए समझते हैं इनको और डिटेल में। गर्भधारण से लेकर 3 महीने तक के, गर्भधारण जिस दिन गाय की AI कराई है उसके 60 दिन के बाद आप कभी भी अपने वेटरनरी डॉक्टर से रेक्टल पाल्पेशन विधि द्वारा गर्भ का परीक्षण जरूर करवा लें। सिर्फ और सिर्फ रेक्टल पाल्पेशन विधि जो है वो ही 100% 100% पुख्ता तरीका है कि आपकी गाय गाभिन है या नहीं है ये पता करने का, तो प्लीज़ इसी को फॉलो करिए। दूसरा, अब अगर आपको कंफर्म हो जाए कि आपकी गाय गाभिन है, तो वो जो गाभिन गाय है उसके पेट में जो फीटस पल रहा है, जो बच्चा शुरू हुआ है बनना, उसके लिए आपको क्या देना चाहिए। तो फीड तो जो गाय का है वो जो दूध के अनुसार, क्योंकि वो दूध दे रही है तो दूध के अनुसार जो फीड जा रहा है वो जाएगा, मगर उस बच्चे के लिए, उस फीटस के लिए 500 ग्राम कंसनट्रेटेड फीड, जो दाना आप लोग कहते हैं या सुदाना, भूसा और हरा चारा हटा के जो दाना सुदाना जो आप कहते हैं, वो चीज़ आपको 500 ग्राम मतलब आधा किलो आपको देना है। नेक्स्ट, अब गाय के स्टार्टिंग 4 माह से लेकर 7 माह की होते तक के गाय जब गाभिन कंप्लीट करेगी तो उसके बीच में हमको क्या करना चाहिए, बहुत विशेष चीज़ें हैं समझिएगा। पहली और दूसरी व्याध की अगर हीफर है, मतलब पहली व्याध की पहली बार जनने वाली बछिया है या दूसरे बार जन रही है वो बछिया, अगर ऐसी गाय आपके पास में है, तो उसको विटामिन एच लिक्विड फॉर्म में आता है, उसको आपको 1 महीने में 15 दिन के लिए रोजाना 15 ml एक टाइम आपको देना है। इसके अलावा जो आपने पहले आधा किलो फीड खिला रहे थे तो फीड को बढ़ा के आपको 1 किलो फीड करना है, वो फीटस के नाम के लिए, बाकी दूध के अनुसार जो चल रहा है वो चलता रहेगा, पर फीटस के लिए अलग से 1 किलो फीड देना है। हाँ, अगर गाय तीसरे या उससे अधिक व्याध की है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फीड एक्स्ट्रा करना है, फीड बढ़ा के रखना है जी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि 8 महीने से लेके 14 दिन पहले तक के, जनने के 14 दिन पहले तक के आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले लास्ट 60 दिन जो बचे हैं आपको, उसमें गाय को ड्राई कर देना है, और जो आप फीड दे रहे थे अभी तक के 1 किलो, उसको बढ़ा के आपको 1.5 किलो कर देना है। आप जो फीड अगर घर में बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और घर में जो फीड बना रहे हैं उसमें विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको नमक, जिसमें सोडियम होता है वो, और कैल्शियम, आपको ये दोनों चीज़ें गाय को देना बंद कर देनी है, क्योंकि ये अगर आप देते हैं तो नमक देने के कारण वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाएगी, और अगर कैल्शियम आप देते हैं तो उसकी खुद की बॉडी कैल्शियम नहीं बनाएगी, जिसके कारण जनने के बाद उसको मिल्क फीवर या हाइपोकैल्शियमिया, ये बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्लीज़ ये दोनों चीज़ें बंद करवा दें। लास्ट के 60 दिनों में किसी भी समय, मतलब मिनिमम 1.5 महीने के आसपास में आप डिवॉर्मिंग जरूर अपनी बच्चिया गाय की कराएं,
जिससे कि जो बच्चिया पल रही है अंदर उसकी भी डिवॉर्मिंग स्वतः ही हो जाती है। फास्फोरस का इंजेक्शन अगर आपकी गाय 3 ब्याज से ज़्यादा ऊपर की है और आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि इसको कहीं कोई परेशानी हो सकती है, तो उसके लिए आप उसको फास्फोरस का इंजेक्शन, इंटास कंपनी का आता है नोविजेक करके, आप वो इंजेक्शन लगा सकते हैं। विटामिन ए जो पहले जैसा चल रहा था कि 15 ml प्रतिदिन, वो आपको पहली और दूसरी ब्याज की गाय के लिए 15 दिनों के लिए देते रहना है। और BCS स्कोर, बॉडी कंडीशन स्कोर, ये एक अलग ही टॉपिक है। आप ये मान के चलिए कि इसके लिए मैं अलग से वीडियो जरूर बना दूंगा आपको समझाने के लिए, पर ये BCS स्कोर, इसको आपको ज़रूर समझना पड़ेगा। और ये समझने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपकी गाय कहीं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में तो नहीं है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये आपको नाप देखना ही पड़ेगा। और वज़न आपको नापना पड़ेगा, वज़न नापने से एक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या वज़न है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अंतिम 14 दिनों की। इसको इंग्लिश में कहते हैं 4th trimester। ये जो अंतिम 14 दिन है, ये विशेष तौर पर सावधानी रखने वाले होते हैं। आप ये तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब गाय आपकी 2 हफ्ते में जनने वाली है, या फिर जो आपने AI डेट है उसके हिसाब से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 283 दिन के हिसाब से ये 14-15 दिन इसके बचे हैं जनने के लिए। तो वहाँ से आपको क्या शुरू करना चाहिए? सबसे पहले तो आपका जो फीड आप चला रहे थे 1.5 किलो, उसको बढ़ा के आप 2 से 3 किलो कर दीजिए। अगर अब गाय दूध नहीं दे रही है तो कम से कम मिनिमम 3 किलो तो आपको फीड देना ही देना जरूरी उसको है। मेटाबोलाइट नाम का एक प्रोडक्ट आता है वीरबेक का, जिसके अंदर सारी चीज़ें मिली हुई होती है। इससे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो आप वो मेटाबोलाइट के कम से कम 2 डब्बे जरूर कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा रहेगा, वो गाय को आपको देना है। हरा चारा और भूसा, ये आपको कम करना है। इसका पीछे का वैज्ञानिक कारण या टेक्निकल रीज़न ये है कि हरा चारा अगर आपकी गाय ज़्यादा खाती है तो पेट में बच्चे को घूमने के लिए जगह कम मिलेगी, और जगह कम मिलने के कारण उसके लिए समस्या होगी। तो बेटर ये है कि हरा चारा कम कर दीजिए, 10 किलो के आसपास मिनिमम, 7-8 किलो के आसपास आप, या 10 किलो, 7 से 10 किलो के बीच में आप रखिए। और भूसा, अधिकतम भूसा उसको 1.5 से 2 किलो दीजिए आप। जी हाँ, इतना भूसा पर्याप्त है उसके लिए। आप भूसा इतना कम कर दीजिए और हरा चारा आप कम कर दीजिए। आखिरी के 24 घंटे, 14 दिन में जब लास्ट आपको समझ में आ गया कि आपकी गाय जनने वाली है, तो आखिरी के 24 घंटे, आखिरी के 24 घंटे में आपको क्या करना चाहिए? तो आखिरी के 24 घंटे जो है, उसमें आपको गुड़, 0.5 किलो गुड़ आपको अपनी गाय को दे देना चाहिए। वो गुड़ आयरन कैल्शियम से भरपूर होता है, जो कि आपकी गाय को इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करेगा। और ये गुड़ आप चाहो तो 2-3 दिन तक के आप अपनी गाय को जनने के बाद में भी दे सकते हो। रही बात कैल्शियम लिक्विड आता है, तो जनने के 6-8 घंटे पहले या 12 घंटे पहले आप कैल्शियम लिक्विड अपनी गाय को ज़रूर दे दें। कैल्शियम लिक्विड दे सकते हैं, इसके अलावा एनर्जी बूस्टर भी आते हैं, आप वो भी दे सकते हैं। बट कैल्शियम लिक्विड तो आपको निहायत ही ज़रूरी है कि आप कोई भी कंपनी का कैल्शियम लिक्विड, आपको एक बॉटल 500 ml की आती है, वो आपको ज़रूर पिलाना। और जनने के पहले जब आप समझ रहे हैं कि 12 घंटा बचा है जनने के लिए, तो उस समय आपको अंकुरित चना 1 या 2 दिन पहले जो आपने चने को पानी में डाल देना है और उसको अंकुरित कर लेना है, और अंकुरित चने को कूट के किसी भी खलबत्ते में या किसी भी चीज़ से उसको कूट के दबा के मैश करके आपको अपनी गाय को 2 टाइम देना है, सुबह 1 किलो, शाम को 1 किलो। इससे उसको इंस्टेंट बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और ये आप इसको कंटिन्यू आने वाले 2 या 3 दिन तक के कर सकते हैं। विशेष तौर पे ये सारी चीज़ें करने के बाद में आपको ध्यान रखने वाली बातें ये है कि गाय का BCS स्कोर जनने के पहले 3 से 3.5 होना ही चाहिए। मैं आपको भविष्य में इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बना के दूंगा। और कम से मतलब अगर कम है, मान लीजिए 3 से नीचे है, जब 3 से नीचे BCS स्कोर होगा तो आपको उसको अलग से एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी के लिए फैट, बाईपास फैट सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो बाईपास फैट आप चाहो तो अगर आपको कहीं से अवेलेबल हो जाए, कैमिन कंपनी का और बहुत सारी कंपनी का आता है बाईपास फैट, आप उसको 100 ग्राम फैट जो है वो आप ज़रूर दीजिए। आप अगर ये मैनेज नहीं कर पाते, ये आपको कहीं से फैट नहीं मिल पाता है, तो आप 70% खली जो आप 3 किलो दाना दे रहे हो उसमें, मान के चलिए कि 2 किलो के आसपास, लगभग 2 किलो के आसपास आप खली दीजिए, और 1 किलो जो आपका बचा वाला पोर्शन है वो आप दीजिए। तेल या घी अपनी गाय को लास्ट के 14 दिनों में बिल्कुल भी गलती से भी नहीं दीजिए। बहुत सारे वीडियो मैंने देखे यूट्यूब पे, और
अलग अलग तरीके से उनके वो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हाँ ये अच्छा है, मगर बिल्कुल नहीं, आपकी गाय को घी या तेल की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वो आप पिलाएंगे तो आप अपनी गाय का नुकसान ही करेंगे, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में बहुत परेशानी करता है। और लास्ट के 14-15 दिन, वैसे तो 60 दिनों तक की आपको गाय को जो है खुले में, 60 दिन जो लास्ट के बचते हैं उसमें गाय को हर 15-20 मिनट के लिए घुमाना ही चाहिए। खुले में आप गाय को पाल रहे तो वो तो बेस्ट है, वो अपने आप घूम लेगी, मगर अगर मान लीजिए वो खुले में नहीं घूम पा रही है तो आपको अलग से घुमाना ज़रूरी है, 10 से 15 मिनट के लिए मिनिमम। और गाय को अलग जगह, जो आपका एरिया है जहाँ सारी गाय बंध रही है, जहाँ दूधने वाली भी है, हीफर भी है, बाकी सारी गाय है, वहाँ ना रखे, इसको अलग से एक सेपरेट एरिया दे जहाँ उसकी काल्विंग हो सके, प्रेगनेंसी एरिया कहते हैं हम लोग, जहाँ पर वो प्रेग्नेंट गाय को रखा जाता है, उनके लिए अलग एक शांत माहौल दे, साफ सुथरा हो, अलग से जगह हो, ये उनके लिए बहुत बेस्ट होगा। ये सारी प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे तो मैं पूरी तरह से 100% श्योर हूँ कि आपकी गाय की काल्विंग, डिलीवरी और बाद में जेर गिरना और इसके आगे की समस्या से भी आपको बड़े आराम से निजात मिल जाएगा, और एक हष्ट पुष्ट बच्चा बच्चा मिलेगा आपको, और साथ साथ आपकी गाय भी किसी भी प्रकार की लेमनेस, किसी भी प्रकार की किटोसिस, किसी भी प्रकार से मेस्टाइटिस या और भी होने वाली समस्याओं से, मिल्क फीवर, इन सबसे कोसों दूर रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल अगर पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।